वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर 1.55 पे ट्रेडिंग कर रहा है आज के दिन में। तकरीबन प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 1.55 थी, उसी पे यहाँ पे ओपन हुआ था। ओपन होकर लो बना था 1.50 का और हाई आज का 1.60 का। तकरीबन अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाता हुआ 3% से ऊपर अभी तक रिसेंटली देखा जाए तो 1.60 का यहाँ पे मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन यहाँ पे 1.50 टू 1.60 जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के लिए। तो ये लेवल पे कई बार यहाँ पे सपोर्ट भी ले गए थे। तो उसके पहले यहाँ पे अपडेट से देखिए, तकरीबन आज की बात देखी जाए तो मार्केट कैप 2000 करोड़ के नीचे आ चुका है। 1.97000 का मार्केट कैप हो चुका है। मार्केट कैप में गिरावट देखने को मिल रही है। और 5 डेज की भी बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में 8% से ज़्यादा गिरावट होती हुई नजर आ चुकी है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में। और 1 मंथ की भी बात की जाए तो 1 मंथ में यहाँ पे अपडेट से देखिए, एक अच्छे मूवमेंट के बाद फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और गिरावट में फिर से 1.50 पे आके यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक। तो जीटीएल इंफ्रा का चार्ट एनालिसिस की भी बात की जाए तो चार्ट एनालिसिस देख सकते हो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए। करंटली आज यहाँ पे आप देख सकते हो 1.55 पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। गिरावट के बाद यहाँ पे 1.5 का लो भी बना के एक अच्छे मूवमेंट किए बाइंग साइड में। पर यहाँ पे आप देख सकते हो 1.65 पे फिर से रिजिस्टेंस लगने के चांसेस लग सकते हैं। आज यहाँ पे 1.60 पे क्लोजिंग दे भी देता है तो 1.65 पे कल यहाँ पे रिजिस्टेंस लगने के चांसेस दिखाई देंगे, क्योंकि उस लेवल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले कई बार सपोर्ट भी लिया है और रिसेंटली रिजिस्टेंस भी ले ही सकता है। तो ये लेटेस्ट अपडेट जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए।